Good morning, students. How are you all? Students, hope you all are fine and safe at your home. Students, I have started a new chapter of EBS, that is food for our health. Hai na? Food for health. In this, we have already understood that why it is necessary to have food and from where we get food, then from especially from plants what we get. Okay, इस chapter में हमने क्या क्या समझा था कि पहली चीज़ हमें food क्यों ज़रूरी है, second thing हमें food कहाँ कहाँ से मिलता है, that is from plants and animals, and third thing कि plants से हमको क्या क्या मिलता है. Okay, now today we will start with food from एनिमल्स, यानी कि हमको एनिमल्स से क्या क्या या कौन कौन से फूड मिलते हैं. सबसे ज़्यादा और स्पेशल फूड जो हमें किसी एनिमल से मिलता है और हर कोई उसको यूज़ करता है, दैट इज़ मिल्क. स्टार्ट करते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम मैनी एनिमल्स लाइक बफेलोज cows and goats, है ना. जो ये cow, buffalo, goat, cow यानी कि गाय, buffalo यानी कि भैंस, है ना, और goats यानी कि बकरी, ठीक है. इनसे हमें जो मिलता है वो है सबसे स्पेशल थिंग, दैट इज़ मिल्क. हम सब मिल्क पीते हैं, है ना. देखते हैं मिल्क से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. क्या क्या बनता है कोई मुझे बताएगा? बहुत सारी चीज़ें. देखें, मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, पनीर, खीर, कस्टर्ड, चॉकलेट, बटर एंड घी, है ना. यानी कि जो मिल्क है, मिल्क से क्या क्या बनता है देखते हैं. कर्ड बनता है, कर्ड यानी कि दही. चीज़ जो पिज्ज़ा में डलती है. पनीर, पनीर की सब्ज़ी तो सबको वैसे भी बहुत पसंद होती है. खीर जो मम्मी बहुत मीठी मीठी बनाती हैं. कस्टर्ड भी एक तरह से दूध की डिश होती है, मिल्क की, जो बहुत टेस्टी लगती है. चॉकलेट तो हम सब खाते हैं, वो विदाउट मिल्क बिल्कुल नहीं बनती है. बटर एंड घी, बटर और बटर यानी कि मक्खन और घी, ये भी हमको किससे मिलते हैं? मिल्क से ही मिलते हैं. ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. सेकंड थिंग जो हम लोग नहीं खाते बट जो खाते हैं उनके लिए, हैन एंड डक गिव अस एग्स. जो लोग एग खाते हैं वो एग कहाँ से मिलता है? हैन या डक से, है ना. फिर some people eat the meat of animals like chicken, fish, goat and lamb. अब कुछ लोग जो नहीं खाना चाहिए, हम नहीं खाते, बट जो लोग खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, मीट खाते हैं, वो लोग किस क्या क्या खाते हैं? चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, goat एंड लैम्ब यानी कि गॉड का छोटा बेबी भी वो लोग खाते हैं. नाउ आगे, पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. अब जो लोग इस तरह की नॉनवेज चीज़ें, मीट नहीं खाते उनको या एग्स नहीं खाते उनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं. एंड पीपल हु ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. और जो एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं. पीपल हु डू नॉट ईट मिल्क प्रोडक्ट्स. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, है ना.
वो क्या कहलाते हैं? वैगन्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं वो? वैगन्स. वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली. अब हमें कैसा खाना खाना चाहिए? कैसे भी गंदे गंदे हाथों से खा लें क्या? नहीं, हमें फ्रेश एंड क्लीन यानी कि ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना ही खाना चाहिए. वी शुड नेवर ईट फूड दैट इज़ लेफ्ट इन द ओपन. जो खाना खुला रखा हुआ है जैसे कि ये, इस तरह का फूड हमको नहीं खाना चाहिए. देखिए इसमें कितने इंसेक्ट्स हैं, है ना? सम चिल्ड्रन लाइक टू ईट फास्ट फूड्स लाइक बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स एक्सेट्रा. सच फूड्स आर नॉट हेल्दी. अब हमने अक्सर देखा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हमको क्या अच्छा लगता है, बर्गर दे दो, पिज्ज़ा दे दो, नूडल्स दे दो. नहीं, ये चीज़ें अच्छी रोज़ रोज़ कभी ठीक है, वन मंथ में, वन वीक में, टू वीक्स में एक बार खा लिया, बट रोज़ रोज़ ये चीज़ें खाना वेरी बैड, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. वी शुड ईट ओनली हेल्दी फूड एज इट helps us to grow, keeps us fit and protects our body from diseases. इसलिए हमको कैसा खाना खाना चाहिए? जो हेल्दी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, बटर, है ना, फ्रूट्स, चपाती, राइस, दाल, ये चीज़ें खाओ जिससे हमको ताकत मिलेगी और हम क्या होंगे, ग्रो करेंगे और हमेशा फिट रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. टुमारो विल डू इट्स एक्सरसाइज. ओके टिल देन, बाय बाय.